चतुर्थ परिच्छेद चित्रकला। चित्रकला अपने व्यापक क्षेत्र एवं दूरगामिता के कारण विशेष महत्व रखती है। मानव तथा प्रकृति दोनों ही के साथ इसका संबंध रहा है। यह एक राष्ट्र एवं वर्ग की कहानी ऐतिहासिक दृश्य और आकांक्षाओं को मूर्तिमान कर सकती है। मध्यकाल के धार्मिक चित्र वस्तुतः निरक्षर जनता की बाइबिल थे। इतिहास और महापुरुषों की जीवनी को चित्रकारों द्वारा चित्रित किया जा रहा है, जिनमें हमें अतीत की झलक मिलती है। चित्रकला इस प्रकार आचरण शास्त्र की अत्यंत महत्वपूर्ण एवं क्रियाशील सहयोगी सिद्ध हो सकती है। खेद का विषय है कि कुछ टेराकोटा गमलों को छोड़कर सभी यूनानी चित्रकला नष्ट हो चुकी है। हमें चित्रकला के इतिहास का अध्ययन करना चाहिए तथा अग्रलिखित कृतियों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला, चीनी चित्रकला। इस चित्रकला में कई राष्ट्रों ने बहुत ही प्रभावशाली योगदान दिया है। चीनी चित्रकला बौद्ध धर्म एवं प्रकृति से अपनी प्रेरणा ग्रहण करती रही है। चीनी चित्रकारों ने प्राकृतिक दृश्यों, फूलों, पक्षियों, पौधों तथा कीटों के क्रियाकलापों को अपने चित्रों में अभिव्यक्त किया है। वे अपनी कला के लिए रेशम एवं कागज का प्रयोग करते थे। बौद्ध धर्म जीव मात्र के लिए दया एवं दान की भावना को अनुप्राणित करता है, जिसके दर्शन हम चीनी चित्रकला में करते हैं। बुद्ध के शिष्य जो लोहान कहलाते थे, कई चित्रों के विषय बने हैं। बुद्ध ताओ तजो जैसे महान कलाकार ने चीनी कुआनीन की रचना की, जो तांग वंश का समकालीन था। लिलुंग मियन ने बुद्ध तथा प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित किया। आर पेटोसी के अनुसार वह राफेल जैसी प्रतिभा को मुकाबले के लिए चुनौती देता है। मीफाई भी प्राकृतिक दृश्यों का महान चितेरा था। सुंग वंश के शासनकाल में चीन के प्राकृतिक दृश्य चित्रों ने प्रकृति की नवीन धारणा को जन्म दिया। लूफू ने 65वीं सती AH में बद्री बेर के वृक्षों के प्रसिद्ध चित्रकारों का नेतृत्व किया। चीनी चित्रकला अपनी सरलता तथा अनावश्यक ब्यौरे के बंधन से स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध है। चीनी चित्रकला अपनी गहराई, विविधता, आकार तथा सौंदर्य की दृष्टि से राष्ट्रीयता और विश्वजनीनता के कारण इतावली चित्रकला के समकक्ष है। यहाँ मैं ली लुंग मियन के शेर के साथ अरहट, वुताओ तजू के कुआनीन एवं शाक्य मुनि मायुवान के चील के ब्रिज तथा पथरीली चोटियाँ, सेंग मोड़ के जंगल मेरे से इत्यादि के उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूँ। कुछ जापानी वर्ण चित्रों को हम सर्वोत्कृष्ट रचनाओं के रूप में स्वीकार करते हैं, जैसे हिरोसेज, होकुसाई तथा अन्य हो सके तो कुछ को उपलब्ध करें। दूसरा, इतावली चित्रकला। इतावली पुनर्जागरण ने विश्व को अनेक सर्वोत्कृष्ट चित्रकला कृतियां प्रदान की है। ईसाई चित्रकला के लिए केवल फ्रा एंजेलिको के चित्रों का ही अध्ययन न करना चाहिए, जिनमें प्रमुख हैं मिलान नगर में स्थित लियोनार्डो दा विंची का लास्ट सुपर तथा लुइनी का भित्ति चित्र। ईसाई विषयों के बहुत से इतावली चित्र असत्य एवं झूठे हैं। फ्रा एंजेलिको एक सन्यासी थे, इसलिए वे यथार्थ चित्रण करने में सफल रहे, यद्यपि उनकी शैली परिपूर्ण नहीं थी। मोनेटे ओलिवेटो में सोडोमा के सेंट बेनेडिक्ट के जीवन पर बने चित्र महत्वपूर्ण हैं। सेंट फ्रांसिसी के जीवन पर आधारित गेवोटो द्वारा चित्रित भित्ति चित्र उनके पाप पुण्य के प्रभावशाली रूपक हैं, जो अपने विषय तथा आकार के दृष्टि से महान है। वह मुख्यतः नैतिक आचरण के चित्रकार है। कुछ उल्लेखनीय सर्वोत्कृष्ट रचनाएं जिनकी हमें रंगीन प्रतिकृतियां क्रय करनी चाहिए, वे हैं गुमड़ी रेनी की आरोरा, पाल्मा बेदियों की संत बारबरा, डोल्सी की संत सिसलियां, बोटिसेली का बीनस का जन्म तथा प्राइमावेरा, जिसकी सिफारिश लुक्रेशियन ने की है, सोडोमा का संत सेबास्टियन, राफेल की सान सिस्टो की मेडोना, माइकल एंजेलो के ईसाइया, एम्ब्रोंजियो लोरेंजेटी का भित्ति चित्र, सियेना में लियोनार्डो दा विंची का मोनालिसा इत्यादि। एक ऐसा चित्र है जो प्रत्येक बुद्धिवादी के घर में अवश्य होना चाहिए, वह है राफेल का स्कूल ऑफ एथेंस। यह यूनानी दर्शन का गौरवगान करता है तथा पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करता है। राफेल के परनासस में काव्य का अभिनंदन किया गया है। पैसगियो में
यूनान और रोम के बीरो और दार्शनिकों के क्षेत्र तथा ल्यूका रेडेला रोबिया के प्लेटो एवं सुकरात के वास रक्षा क्षेत्र तथा वैज्ञानिक क्षेत्र ऐसे उल्लेखनीय एवं मूल्यवान योगदान हैं जो मानवता को समर्पित हैं तथा ईसाई कला से भिन्न हैं, क्योंकि इस कला में कई अवांछित विषयों का समावेश है। तीसरा, आधुनिक चित्रकला। आधुनिक चित्रों में से मैं डेविड के सुकरात के मृत्यु, हॉफमैन के एक धनी युवक मानव और क्राइस्ट, एंडरसन के व्याभिचारिणी, मिल्लाइस के ईसा बढ़ई की दुकान पर मेडॉक्स फॉल्ड ब्राउन के काम तथा ईसा अपने शिष्यों के पैर धोते हुए, बीडरमैन के महात्मा बोध के चित्र, फ्यूअरबाख के प्लेटो सिपोजियम, रोमने के लेडी हैमिल्टन, प्रिसे के प्रभात की ओर, फास्टो जोनेरो नया टर्की, जेकब केमेरिस के महान प्राकृतिक दृश्य चित्र, ब्रेंगविन के श्रम चित्र, वान गॉग के फसल काटने वाला, बल्ला के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कैरियर के मेटर्निटी, जिन्नर के दी ग्रेट लूम, पिकासो के माता और शिशु इत्यादि चित्रों की सिफारिश करूंगा। पंचम परिच्छेद, संगीत, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।